Everyone should feel highly concerned with biodiversity like this girl for the proper functioning of our ecosystem. Wish you all a very happy National Biodiversity Day. Good morning everyone, I am Vanshika Tyagi. I am a student of BSc Maths student from Vivek College, Bisnu. Today, we are going to celebrate International Biodiversity Day. बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर पौधों और जानवरों की प्रजाति की उपस्थिति है। मानव जीवन को आबाद रखने के लिए पेड़ पौधों जीव जंतुओं ने अपना अपना योगदान दिया। अब हमारी बारी है कि इनके जीवन को आबाद रखने के लिए हमें अपना अपना योगदान देना चाहिए। अधिकांश उल्लेखनीय पौधों और जानवर की प्रजातियाँ एक दूसरे पर निर्भर करती है। यदि इनमें से एक का जीवन विलुप्त होता है तो दूसरे का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। मनुष्य के लिए बायोडायवर्सिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा अस्तित्व पौधों और जानवरों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि पृथ्वी हमें अनुकूल वातावरण नहीं देती तो हम फसल नहीं उगा सकते। नतीजा यह होता कि हमारा इस ग्रह पर टिकना असंभव हो जाता। वनस्पतियों और जीवों में बायोडायवर्सिटी समय की आवश्यकता है। हमें सभी को इसके लिए अपना अपना योगदान देना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण। हमारे बीच कई ऐसी प्रजातियां हैं जो पहले थी और अब नहीं रही। इस ग्रह को आबाद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे जानवर अपना अपना योगदान देते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही है। कई प्रजातियां जो पहले पृथ्वी पर बसी थी अब विलुप्त हो चुकी है और कई आने वाले वर्षों में विलुप्त होने की आशंका है। वनस्पतियों की लगभग 3 लाख प्रजातियां हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी का गठन 4.54 बिलियन के करीब था। लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले जीवन के साक्ष्य मिले। कई प्रजातियां जो पहले थी वो अब नहीं मिल पाई। मानव तकनीक के प्रति इतना प्रेरित हो गया है कि नतीजों को भूल गया है। वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में हमें अपना कदम उठाना चाहिए। अंत में मैं 4 पंक्तियां कहूंगी कि वो पेड़ वो बहार वो चिड़िया कहाँ गई, कि वो पेड़ वो बहार वो चिड़िया कहाँ गई, ए हिंद तेरे प्यार की वो बगिया कहाँ गई। अमृत समान जल वो पवन प्राणदायिनी, भागीरथी वो गंगा वो यमुना कहाँ। थैंक यू।